समाज में नफरत फैलाने वाले भले ही लाख कोशिशें करें, लेकिन देश में सौहार्द के आगे उनकी कोशिश कभी कामयाब होने वाली नहीं। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित रेलवे कॉलोनी इसका एक बड़ा उदाहरण है। यहां शान से एक दूसरे के साथ खड़े मंदिर मस्जिद इसके गवाह हैं कि नफरत हमेशा हारी है और आगे भी हारती रहेगी। इस जगह पर एक तरफ आजान की आवाज गूंजती है तो दूसरी तरफ मंदिर से राम नाम के भजन। दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे की धार्मिक भावना का हमेशा ध्यान रखते हुए आगे बढ़े हैं। मंदिर के भजन, मस्जिद की अजान कभी कभी एक साथ ही संपन्न होती है और हर कोई इसे देखकर इंसानियत की सीख लेता है। इन धार्मिक स्थलों का ये संदेश हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो समाज को जोड़ने में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करता है। ये कि फिलहाल मैं बिलोंग तो हरियाणा से करता हूँ। फिलहाल मैं पिछले 4-5 साल से हूँ। मेरे जानकारी में तो खैर नहीं है अभी यहाँ पे, लेकिन अब मैं यहाँ पे माहौल देख रहा हूँ अपने कॉलोनी में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है भाई। बराबर में मस्जिद है और मंदिर है, इस तरह की कोई बात नहीं है। लड़ाई झगड़े वाली है कहीं भी हो, हमारे मुरादाबाद शहर में, आसपास में हो या किसी और ज़िले में हो। और हम चाहते भी यही हैं कि जो हमारे भी हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदुस्तान को आगे लेकर चलें, तभी हम कामयाब भी रहेंगे। बगल में मस्जिद भी पुरानी है, आज के नया नहीं है, बहुत पुरानी है। और ये महसूस नहीं होता है यहाँ मंदिर और मस्जिद कोई भेदभाव, कोई झगड़ा फगड़ा वगैरह वगैरह। आज तक मेरे को लगभग 30-35 साल हो गए इस मंदिर में रहते हुए, तो आज तक कोई, किसी शहर में कर्फ्यू लग गई होगी, यहाँ कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ।